नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एलोपैथिक जो दवा होती हैं, चाहे आप उनको जितना करें लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होती हैं। दोस्तों, आपको अगर हर प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जो है आयुर्वेदिक पे विश्वास करिए। वीडियो की तरफ और बताती हूँ आयुर्वेदिक में आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा अमरूद के पत्तों से। दोस्तों, अमरूद का पत्ता भी एक समझ लीजिए कि एक औषधि है। किस चीज के लिए? आपके मुंह के छाले के लिए। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो कोई ज्यादा डॉक्टर को कोई दिखाने जाता था, ना वैद्य को दिखाने जाता था। जब भी जब हम लोग छोटे थे, जब मुंह में छाले पड़ जाते थे तो हमारी जो दादी होती थी और मेरे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे अमरूद की पत्ती तोड़ करके मुंह में चबा चबा के उसको मतलब राल अब कुछ देर के लिए भर के रखो और थूक देना। अमरूद की पत्ती चबा चबा के दोस्तों हम लोग बचपन में पूरे मुंह के छाले सही कर लेते थे। और क्या क्या चीजें हैं आज मैं ऐड करूंगी इसमें एक आध चीज और। तो दोस्तों, मुंह का छाला क्यों होता है? मुंह के छाले होते हैं दोस्तों पेट की गर्मी से, ठीक है। जब पेट में गर्मी बढ़ जाती है, गरम गरम चीजें जब खाई जाती है जैसे तेल मसाला मिर्च ज्यादा हो जाता है और पेट साफ नहीं होता क्योंकि भूख नहीं लगी है, फिर भी टाइम देख करके जब आदमी खाना खाता है ना कि भैया 12 बज गए चलो खाना खा ही लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, टाइम देख करके खाना ना खाइए, जब भूख लगे तो खाना खाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका पेट साफ है और आपको जो है कब्ज की शिकायत नहीं है, पेट भारी नहीं है, गैस नहीं है, तो मुंह के छाले कभी पड़ नहीं सकते, ठीक है। मुंह में छाले कभी भी नहीं पड़ेंगे दोस्तों। ये पेट में जब नहीं पेट साफ होता है तभी मुंह के छाला पड़ता है। तो आपसे जरूर एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं। पेट अगर फूला है, पेट भारी है, तो रात का खाना दोस्तों छोड़ दीजिए। अपनी आप सारा फंक्शन रात भर में सही हो जाएगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि जब पानी ज्यादा पिएंगे तो आप टॉयलेट जाएंगे, बार बार टॉयलेट जाएंगे तो पेट की गर्मी दोस्तों आपकी निकलेगी। पानी का कम पीना, मिर्च मसाला खाना, बार बार ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेना, खाना का हजम ना होना, ये सब होता है। आपको लगता है मुंह में कोई कमी हो गई जो मुंह में छाला निकल आया, नहीं दोस्तों, मुंह का कनेक्शन सीधे सीधे पेट से होता है, ठीक है। पेट गड़बड़ तो सब कुछ आपको मुंह में दिखने लगता है, सब कभी कभी पूरा लाल पड़ जाता है अंदर का, है ना। तो बस यही है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपको करना है, किस तरह से लेना है। दोस्तों, इसको छोटा छोटा तोड़ लीजिए और आप यकीन माने जब भूख लगे तभी खाएं। कोई चूरन बनाइए, चूरन बनाइए पेट साफ होने का। मैं बहुत सारे चूरन मैंने बनाए हुए हैं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है। तो आप क्या करें, आप इसको मिक्सी के जार में डाल दीजिए। डालने के बाद पानी डाल करके आपको इसको पीसना है, पानी डाल करके पीसना है। तो पानी मैं डाल दे रही हूँ और पानी कोशिश करें कि एकदम ठंडा पानी इसमें डालें दोस्तों। तो ठंडा पानी डाल करके इसको पीसिए। और क्या करना है अभी आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये पिस गया है। अब आपको क्या करना है, एक लेना है कांच का गिलास, चाहे स्टील का लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, और इस पानी को छान लीजिए, ठीक है। हम लोगों को तो क्या होता था ना कि चबा चबा के खाने के लिए कह दिया जाता था, लेकिन इसके जो ये है ना, ये लगते हैं मुंह में जो इसमें निकला हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको छान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पानी तो ठंडा इसमें है ही, लेकिन आपको डालना है इसमें आइस क्यूब, एक डालें, दो डालें, जितना सह सकें। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस पानी को काफी ठंडा बनाना है। जितना ठंडा पानी आप सह सकते हैं उतना ठंडा पानी इसको मुंह में रखिए और कम से कम 5 मिनट के लिए होल्ड करिए, अपने मुंह में रखिए उसको। उसके बाद पानी को थूक दीजिए। आप जब थूकेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितना गर्म गर्म निकल रहा है, कितनी गर्मी निकल रही है, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से करके पूरा गिलास का पानी इसी तरह से कुल्ला करना है जब तक पानी पूरा खत्म ना हो जाए। जहां छाला है वहीं पे रोक रखे पूरे मुंह में, ठीक है, पूरे मुंह में रोक रखेंगे। उसके बाद आप थूकिए, इसी तरह से करना है पूरा गिलास का पानी। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो आइस क्यूब है इसको आपको जिधर छाला है, ओंठों में है तो ओंठों में रगड़िए, जहां भी अगर गलफड़ में है, किनारे है, तो बर्फ को आप उसी जगह पे आप रख लीजिए दोस्तों। बर्फ
कमाल की चीज होती है, इंजेक्शन लगा है, कहीं सूजन आ गई है, कहीं कुछ है, चोट लगा है, जख्म हो गया है, हर चीज में बर्फ, आइस क्यूब दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। अगर किसी को नहीं पता है तो चाहे जितना बड़ा छाला निकला हो, लेकिन अगर आप इसको रगड़ रहे हैं और एक तरफ से रगड़िए, दूसरी तरफ से राल को निकलने दीजिए। राल में बहुत गर्मी होती है दोस्तों, राल जब निकलेगी तो ही आपके मुंह की गर्मी निकल के बाहर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पेट का ठंडा होना बहुत जरूरी है। पेट ठंडा होने के लिए धनिया और सौंफ का पानी से बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब तो मैंने पीने के लिए बता दिया, कुल्ला करने के लिए, लगाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिए। ये है दोस्तों गाय का देसी घी। गाय का ही देसी घी होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय का घी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और एक औषधि के रूप में गाय का घी माना जाता है। अब इसमें क्या मिलाएंगे, फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी मिलाएंगे। इसमें गुड़ होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुड़ दोस्तों होते हैं, जो आपके कीटाणु हो जाते हैं है, मतलब उसको मारते हैं, इस कीटाणु को ये खत्म करता है फिटकरी। फिटकरी चाहे जितना दांत दर्द हो रहा है, गारंटी है दोस्तों कि चाहे जितना दांतों में दर्द है, कीड़ा है, फिटकरी के पानी से कुल्ला कर लीजिए। आप देखिए 5 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा, इसमें फिटकरी डाल लीजिए। आप ये ना सोचिएगा कि आपको जलन होगी, दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिटकरी डाल लीजिए और जिस जगह पे आपको है छाले उसको मिला लीजिए, जिस जगह पे आपको छाले है दोस्तों, तो उस जगह पे इस तरह से मतलब कॉटन ले लीजिए और इसको इस तरह से करके, इस तरह से कॉटन में ले करके दोस्तों, जहां पे छाले हैं वहीं पे इस कॉटन को रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए रखा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि मतलब कुछ ही देर बाद आपको बहुत ही बढ़िया अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। काफी ठंडा लगेगा, काफी आराम मिलेगा। और जो पानी मैंने ठंडा बताया है, चाहे अमरूद की पत्ती नहीं है तो भी आप ठंडे पानी का गरारा कुल्ला, मतलब गरारा नहीं करना, कुल्ला करना है, भर के उसको रखे रहिए, फिर उसको थूक दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपने जहां भी मुंह पे छाले हैं, इस तरह से आप भर के आप इसको लगा लीजिए, ठीक है। गर्मी है तो टिघल रहा है, नहीं तो इसको थोड़ा फ्रिज में रख दीजिए तो ये जम जाएगा। तो इस ये सबसे अच्छा तरीका है, अमरूद की पत्ती और ये, और आइस तो है ही, आइस के ऊपर तो कोई शक करने का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, हो सकता थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्ते दोस्तों।